इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एमएस वर्ड में रिज्यूम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एमएस वर्ड को आप ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है बहुत सारे टेम्पलेट। तो आपको मोर टेम्पलेट पे क्लिक करना है और मोर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप करना है रिज्यूम, आर ई एस यू एम ई रिज्यूम। इसके बाद आपको एंटर कर देना है। इंटर करने के बाद देखिए, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट आपको मिल जाती हैं, तो कोई भी एक टेम्पलेट को आप ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रिएट का ऑप्शन। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले आप अपना फोटो सेलेक्ट करके फोटो लगा लेंगे और ये सारा फॉर्मेट बना हुआ है। तो उस फॉर्मेट में जाके जैसे कि यहाँ पे अपना नाम चेंज कर लेंगे, जॉब टाइटल चेंज कर लेंगे और जो भी स्कूल नेम है, एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है और कंपनी नेम, जॉब टाइटल कंपनी नेम है, जॉब टाइटल्स है, जो भी आपको यहाँ पे फिल करना है वो सारा यहाँ पे सेट कर लेंगे और इसके बाद आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको दिस पीसी में सेव करना है। तो दिस पीसी को सेलेक्ट कर लेंगे और दिस पीसी पे सेलेक्ट करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है। तो डेस्कटॉप पे आप यहाँ पे आप इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे आप लिख लेंगे रिज्यूम इस तरीके से, आर ई एस यू एम ई रिज्यूम। और इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका डेस्कटॉप पे ये सेव हो जाएगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो रिज्यूम है डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। तो हमने एक एग्जांपल बताया कि आप कैसे ऑटो और बहुत ही प्रोफेशनल रिज्यूम एमएस वर्ड पे आप बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमें कॉमेंट